इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डील करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद आपको हर्डल क्या नजर आना चाहिए, ये क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट हट जाता तो बाद में हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा तो हम लोग इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो इसी को हटाया जाए पहले, यही हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए और वहीं से सिस्टम अपना रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला हिट करते हैं इसी के ऊपर, तो हम क्या करते हैं लेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू टी क्यूब एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप इसको टी क्यूब रख दोगे तो ये क्यूब थ्री पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली ये क्यूब रूट हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो हम आगे स्टोरी बढ़ाते रहेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका थ्री टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। थ्री थ्री कैंसिल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग टी स्क्वायर डी टी लिख देंगे। अब देखिए अब अपने इंटीग्रल को अपने डमी वेरिएबल टी के टर्म में ट्रांसलेट करते हैं सारा वेरिएबल जो है। तो एक्स क्यूब माइनस वन को तो पहले ही हम लोगों ने देखा टी क्यूब लिखेंगे, ये टी क्यूब हो गया पावर वन बाई थ्री। एक्स की पावर फाइव को क्या लिखेंगे, तो एक्स की पावर फाइव को आप सोचिए क्या लिख लें, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप क्या लिख रहे हो टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब रही बात इस टी एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से एक्स क्यूब दिख रहा है, हम लोग टी क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया टी क्यूब प्लस वन, पूरी तरह से आपका क्वेश्चन जो है एक्स से टी में आ चुका है। अब इसको आराम से देख लीजिए कितना सॉल्व हो जाता है, ये गया है ना, सिर्फ टी बचा तो क्या हो जाएगा टी और ये टी स्क्वायर टी क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा टी की पावर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। टी क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब रहेगा डी टी। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा टी की पावर सेवन अपॉन सेवन है ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग रहा है, और ये हो जाएगा टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। लेकिन यहाँ आंसर मत छोड़िएगा क्योंकि ये डमी वेरिएबल है ना, कोई यू एज्यूम किया हो सकता है, कोई वी एज्यूम किया हो सकता है ना, आपने टी एज्यूम किया है खैर, या हमने टी एज्यूम किया है। तो टी को यहाँ से हम हटाएं तो टी को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो। अगर ये थ्री इधर आता है तो ये पावर वन बाई थ्री हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ आता है तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ ओरिजिनल छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ से हम टी की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा जो फाइनल आंसर होगा, जो वेरिएबल दिया गया था उसके टर्म में, दैट इज़ वन बाई सेवन टाइम्स टी की प्लेस पे हमें डालना है एक्स क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री, और सेवन पहले से है तो ये हो जाएगा सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर है, और वन बाई थ्री वहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री प्लस सी, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।